गेज इन द कैमरा, आपकी तरफ नहीं देखिए। सो सिटी ऑफ ड्रीम्स एक पॉलिटिकल ड्रामा है और ये पहले ही हॉटस्टार पर आ चुकी है 3rd of May को, सारे 10 के 10 एपिसोड। सो प्लीज़ जल्दी से जाइए और पहले सारे 10 एपिसोड देखिए, ये तो मैं पहली दरख्वास्त करूँगी आप सबसे। सिटी ऑफ ड्रीम्स एक पॉलिटिकल ड्रामा है, एक भाई बहन का वॉर है अपने पिता की कुर्सी के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारे लेयर्स है इसमें, हर एक किरदार के बहुत सारे लेयर्स हैं। पहले जो एकदम हाउसवाइफ लगने वाली लड़की है वो आगे जाके बदलती है, जो कि मेरा किरदार है पूर्णिमा गायकवाड़ का। उसे लगता है कि आज तक उसे लाइफ में वो कितनी भी काबिल क्यों ना हो, बस वो सिर्फ एक लड़की है, उस वजह से उसको बहुत सारी चीज़ें मिली नहीं हैं। और एक वक्त आता है उसकी ज़िंदगी में जब उसे ये डिसाइड करना पड़ता है कि अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे कुछ रास्ता चुनना पड़ेगा। और फिर उसका उसकी क्या जर्नी होती है, ये है सिटी ऑफ ड्रीम्स। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग ट्रैक्स हैं, हर कोई जो बम्बई में सपना देखने आता है और ये शहर सपनों का शहर कह के हम बुलाते हैं, इस सपनों के शहर में हर एक कॉमन मैन की भी एक स्टोरी होती है, वो क्या होती है, ये भी सिटी ऑफ ड्रीम्स है। नहीं, मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट फॉलो किया, मैंने किसी एक पॉलिटिशियन को फॉलो नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर वो हमारे किरदार से थोड़ा अलग हो जाता अगर मैं उनको कुछ फॉलो करती तो। लेकिन दो चीज़ें मैंने ज़रूर की, एक तो मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस की जो स्पीच थी वो सुनी कि वो कैसे स्पीच देते हैं, अगर पब्लिक में पब्लिक एड्रेस कर रहे हैं वो तो वो कैसे एड्रेस करते हैं वो। लेकिन मैंने किसी एक का नहीं देखा, मैंने बहुत सारे लोगों का देखा, क्योंकि हर एक का कुछ अच्छा, हर एक का कुछ अलग अलग कुछ न्यूआंस रहते हैं। दूसरी चीज़ मैंने ये की, मैंने बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोस हैं जो आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में सिखाते हैं, वो मैंने ज़रूर देखी कि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और अगर आप किसी लोगों से मिलने जा रहे हैं, अगर आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं या पब्लिक रैली के लिए जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, कौन सी बॉडी लैंग्वेज क्या इम्पैक्ट देगी, उसका क्या मतलब निकलता है, ये सब मैंने स्टडी किया था। और वो मैंने ध्यान में रखा सिर्फ, मैंने ऐसे कुछ मतलब मुझे अभी ये करना है ऐसे कोई 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स नहीं निकाले थे, लेकिन मैंने बैक ऑफ द माइंड वो सब याद रखा जब मैं सेट पे किरदार एक्चुअल प्ले करने के लिए गई। ये बहुत ही टफ था, इट वॉज एब्सोल्युटली नॉट ईजी, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई एम एज अ पर्सन। और कुछ ऐसी चीज़ जो आपके आसपास भी नहीं है, आप बिल्कुल उससे रिलेट नहीं कर सकते, आपने ऐसी कुछ ऐसे किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में देखा भी नहीं है, और वो आपको खुद पोर्ट्रे करना है, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो मैंने 3-4 महीनों का जो हमारा शूटिंग का स्पैन था उसमें मैंने बहुत खुद को समझाया था, कंट्रोल किया था, क्योंकि मुझे लगता है जो पूर्णिमा गायकवाड़ में जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ उसमें जो एक पीस है, उसमें जो एक ठहराव है, वो मुझे खुद में लाना था, एंड आई वर्क फॉर दैट, एंड दैट्स व्हाई इट वाज वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक डिजिटल इज़ आवर फ्यूचर, ये हमारा फ्यूचर है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है और हर एक कोई मोबाइल फ़ोन पे चीज़ें देखता है। और मुझे इसकी दो चीज़ें अच्छी लगती है, एक तो कोई भी डायरेक्टर और राइटर अपनी स्टोरी अपने तरीके से जैसे उनको चाहिए वैसे बताने का यहाँ पे फ्रीडम है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे कोई भी बॉक्स ऑफिस ड्रिवन और TRP ड्रिवन चीज़ें नहीं हैं, इसलिए आप बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज ऑफ ऑडियंसिस को अलग अलग तरीके का कंटेंट देख सकते दिला सकते हैं, बना सकते हैं। और आई थिंक दीज आर द टू बेस्ट थिंग्स दैट वेब हैज़, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ आवर फ्यूचर। आपने जैसे कि बताया कि आपने
साथ साथ जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कहा डिजिटल एक फ्यूचर है, बाकी जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनके साथ आपका किस तरह से एक्सपीरियंस रहा शूट करने में, कितने मस्ती मजाक हमारे सेट पे बिल्कुल मस्ती मजाक नहीं होता था, क्योंकि हमारे सबके कैरेक्टर्स इतनी ग्रे है, हर एक में कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है, तो हम सबको बहुत फोकस रहना था। और हम सब लोग सेट पे जब आते थे हम अपने अपने कैरेक्टर में ही रहते थे, तो वहाँ पे एक्चुअली कुछ हुआ नहीं। लेकिन मैं सिद्धार्थ जो जिसने मेरे भाई का काम किया है और अतुल जिसने मेरे पिताजी का काम किया है, मैंने उनके साथ पहले काम मैं कर चुकी हूँ और मैं जानती हूँ, तो जो लंच ब्रेक होता था नहीं तो पैकअप के बाद, तब हम थोड़े ईज आउट हो जाते थे और टाइम पास करते थे, लेकिन ज़्यादा हमें वक्त ही नहीं मिलता था। ओके, साथ ही साथ जानना चाहूँगी कि एक सीन है आपका लेडी के साथ जिसके लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो उस क्या अनुभव था उसमें, क्या आपके हिसाब से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या बोल रहे थे, किस तरह साथ उनको कहना चाहेंगे क्या? मुझे लगता है आप अगर कुछ अलग करना चाहे, आप अगर कुछ कुछ स्टैंड लेकर कुछ दिखाना चाहे, तो लोग तो बोलेंगे, लोगों को बोलने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो काम किया है और पूर्णिमा गायकवाड़ का जो कैरेक्टर है वो उस एक मिनट के क्लिप तक सीमित नहीं है, वो 8-8.5 घंटों का एक लंबा सफ़र है जो वो तय करती है, और मेरे लिए वो सफ़र, वो कैरेक्टर और मेरा वो जो काम है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं तो मैं तो यही चाहूँगी कि एक दिन मुझे लगता है, मैं आई होप कि ऐसा वो दिन जल्दी आए जब लोगों का नज़रिया बदले बहुत सारी चीज़ों की तरफ देखने का, और इससे मुझे लगता है मुझे या किसी और एक्टर को नहीं, उनको खुद को मन की शांति बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो आई थिंक पीपल शुड जस्ट ओपन देयर माइंड्स एंड सी हाउ द वर्ल्ड इज़ एंड व्हाट द ट्रुथ इज़, वी शुड बी मोर एक्सेप्टिंग एंड मोर यू नो, लव शुड हैव नो बैरियर्स, दैट्स अबाउट इट। जैसे कि आपने कहा पॉलिटिक्स ड्रामा है, इसके लिए आपने काफ़ी स्टडी की है, नहीं मैं पर्सनल लाइफ में पॉलिटिक्स बिल्कुल फॉलो नहीं करती, मैं पर्सनल लाइफ में पॉलिटिक्स बिल्कुल फॉलो नहीं करती, और हाँ इसके लिए मुझे मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मेरा एक्चुअली जो भी पॉलिटिकल राय है मैं वोट करके बता देती हूँ। आई थिंक इट इज़ ओनली अबाउट द स्केल एंड द लैंग्वेज, बाकी कुछ नहीं बदलता, बाकी सब वैसे का वैसे ही रहता है। क्योंकि यहाँ पे भी आप एक अच्छी स्टोरी बनाना चाहते हैं, वहाँ पे भी आप अच्छी स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो इट्स जस्ट दैट कि मराठी फिल्म इज़ लिमिटेड टू माई स्टेट, जो लोग सिर्फ मेरी भाषा जानते हैं उनकी तरह उनके ही लिए वो है, लेकिन अगर आप हिंदी देखें तो वो नॉट ओनली इंडिया बट बहुत उसका मार्केट बड़ा है, इसके लिए उसका प्रोडक्शन वैल्यू भी अलग रहता है, उसका स्केल अलग रहता है, और आपका काम ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। मुझे लगता है इसके अलावा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ नहीं, हाँ मुझे बहुत बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रही है, मेरा सोशल मीडिया ट्विटर इंस्टाग्राम पे लोग बहुत दिल से लिख रहे हैं, बिंज वॉच करते हैं, 10 के 10 एपिसोड एक साथ देखते हैं, बहुत खुशी होती है कि अगर आप कुछ चीज़ दिल से कर रहे हो और वो लोगों की तरफ इतनी अच्छी तरीके से पहुंच रही है और लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए बस। मैं फ़िलहाल तो कुछ बता नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक चीज़ का सही वक्त होता है और उसे उस वक्त ही कहना चाहिए, तो जब वक्त आएगा मैं आप सबसे वापस बात करने आ जाऊँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।